गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स. द फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर विच इज़ गिवन इन आवर बुक इज लिटमस. ओके, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डाई. डाई का मतलब क्या होता है बच्चों? डाई हम लोग बोलते हैं किसी भी कलर्ड कंपाउंड को. ठीक है, जब कोई कंपाउंड कलर्ड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डाई. ठीक है, तो डाई का यहाँ कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है. डाई का मतलब होता है कलर्ड. तो लिटमस भी कलर्ड कंपाउंड है. रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, दो तरह का लिटमस होता है ना, तो इसलिए इसको नेचुरल डाई भी लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं लिटमस के बारे में. अब ये नेचुरल कैसे है? हाउ इट इज़ नेचुरल? बिकॉज लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट. कौन सा प्लांट? दैट इज़ लाइकेन. आपको याद होगा बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में लाइकेन के बारे में पढ़ रखा था. व्हाट इज़ दिस? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई. बताया था ना मैंने आपको, एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेन. ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था ना, वही है ये लाइकेन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एल्गी ग्रीन कलर की होती है, तो ये फूड बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और फंजाई क्या करता है? फंजाई एल्गी को शेल्टर देता है. ठीक है, तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप थी ना लाइकेन की. वही एग्जांपल आज हम लोग फिर देख रहे हैं, पर दिस इज द प्लांट फ्रॉम विच लिटमस इज ऑब्टेन. इसी प्लांट से लिटमस को निकाल, लिटमस पेपर बनाया जाता है, लिटमस इंडिकेटर को बनाया जाता है. ठीक है, इंडिकेटर्स वो होते हैं ना जो एसिड और बेस में अपने कलर को चेंज करके हमें ये बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है. तो लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. ठीक है, किससे मिलता है हमें? लाइकेन से मिलता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमें बताता कैसे है कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है. लिटमस दो फॉर्म में मिलते हैं आपको. लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है और लिटमस लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है. बच्चों, हमारी केमिस्ट्री लैब में ये दोनों चीज़ें रखी हुई हैं. आपका स्कूल जब रीओपन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी. लिटमस हमें सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है और पेपर में भी फॉर्म में भी मिलता है. तो लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है और पेपर भी होता है. ठीक है, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म, और पेपर तो आप समझ ही रहे हो. ठीक है, दोनों तरीके से ये मिलता है. ठीक है, पर जो भी हो, चाहे वो पेपर हो चाहे वो सॉल्यूशन हो, दोनों ही फॉर्म में लिटमस जो है हमेशा दो कलर्स में मिलता है. ठीक है, वो दो कलर्स कौन कौन से हैं? रेड और ब्लू. ठीक है, तो ये रेड और ब्लू कलर के, दो कलर के लिटमस आपको मिलते हैं. अगर सोल्यूशन होगा तो रेड सोल्यूशन और ब्लू सोल्यूशन, दो सोल्यूशंस होंगे. और अगर ये पेपर फॉर्म में होगा तो जैसा कि आपको बुक में दिख भी रहा होगा, ये रेड कलर का पेपर और ब्लू कलर का पेपर, ये आपको लिटमस पेपर्स लैब में मिलेंगे. ठीक है, तो लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमें बताते कैसे हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस. तो अलग अलग के लिए हम लोग अलग अलग का इस्तेमाल करते हैं. अगर हमें किसी एसिड को टेस्ट करना है, ठीक है, तो हमें तो ये पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस है. ठीक है, तो हम उसमें दोनों लिटमस पेपर डालेंगे. ठीक है, दोनों लिटमस पेपर डालने पे अगर ब्लू लिटमस चेंज हो जाता है रेड कलर में, ब्लू लिटमस को आपने डाला किसी भी सोल्यूशन में और अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड. ठीक है, और अगर आपने उसमें ब्लू लिटमस को डाला, वो रेड नहीं हुआ, तो वो एसिड तो नहीं है, ये कंफर्म है. ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो बेस है या नहीं? तो ब्लू लिटमस डालने पे अगर ब्लू लिटमस रेड नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है. अब अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम क्या डालेंगे उसमें? रेड लिटमस डालेंगे. ठीक है, ब्लू लिटमस हमने डाला वो रेड हो गया तो एसिड है, ब्लू लिटमस हमने डाला वो रेड नहीं हुआ तो एसिड नहीं है. ठीक है, अब हम अगर रेड लिटमस डालेंगे किसी भी चीज़ में और वो कन्वर्ट हो गया ब्लू में, रेड से वो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू में, तब वो सब्सटेंस क्या है? बेस. इसका मतलब एसिड वो है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस वो है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो ये एसिड और बेस अलग अलग लिटमस पेपर के लिए अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं. तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो सब्सटेंस है हमारे पास वो एसिड है या बेस. जैसे कि हमने कल कई सारे एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था ना, तो हमने लेमन जूस, ऑरेंज जूस सब देखा था, सब में एसिड है. तो आपको अगर मैं लिटमस पेपर दूंगी, आप अगर उसको लेमन जूस से टच कराओगे, तो जो अगर मैंने आपको रेड लिटमस दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेड लिटमस का कोई इफेक्ट
एसिड पे नहीं होता, लेकिन अगर मैंने आपको ब्लू लिटमस दिया और आपने उसको ऑरेंज जूस या लेमन जूस से टच कराया तो क्या होगा, वो ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि लेमन जूस में क्या है, एसिड है। ठीक है, वैसे ही सोप सोल्यूशन की बात हुई थी, सोप सोल्यूशन इज बेस, तो अगर आप सोप में ब्लू लिटमस डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लू लिटमस तो एसिड में टर्न करता है रेड कलर में, है ना। लेकिन अगर आप उसमें रेड लिटमस डालोगे, किसमें, सोप सोल्यूशन में जिसमें कि बेस है, तो अगर आपने उसमें रेड लिटमस डाल दिया तो वो रेड कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि सोप सोल्यूशन में क्या है, बेस है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लिटमस हमारे लिए इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे क्या, लेट अस सी। आप पहले तो ये लिखोगे नेचुरल इंडिकेटर्स, उसमें फर्स्ट हेडिंग डालोगे लिटमस अ नेचुरल डाई, उसकी ये पूरी लाइन लिख डालोगे द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ठीक है, वैसे तो ये पर्पल कलर का होता है जब ये निकाला जाता है, लेकिन इसके बाद इसको रेड और ब्लू कलर में हम लोग बना के रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये लाइन लिखोगे इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इतनी बातें आपने लिख ली, उसके बाद आपको ये ड्राइंग बनानी है और ये दोनों ड्राइंग बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है वो मैं बताती हूँ। अभी तक आपको समझ में आ गया आपको क्या क्या लिखना है, जितनी चीज़ें मैंने अंडरलाइन करके रखी हैं आपको उतना उतारना है, और उसके बाद आपको ये दोनों ड्राइंग बनानी है ए और बी। उसके बाद आपको क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आप अलग से एक लाइन में लिखोगे, क्या लिखेंगे हम, एसिड टर्न्स का मतलब बदल देना, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये एक अलग लाइन में लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में क्या लिखोगे, अगली लाइन में आप लिखोगे अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पे आपको कलर भी लिख के दिखा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, कौन करता है ये, एसिड करता है। ठीक है, अब बेस के उसके बाद अगली लाइन में आप क्या लिखोगे, बेस के बारे में लिखोगे। आप अपनी कॉपी में भी चाहो तो ब्लू और रेड कलर का इस्तेमाल करके ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको देखते ही याद आ जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग लिखेंगे बेस के बारे में। ठीक है, बेस के बारे में क्या लिखेंगे, बेस टर्न्स, बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, सॉरी बेस टर्न्स, बताइए, उसने ब्लू को रेड किया है तो ये क्या करेगा, उसका जस्ट अपोजिट, बेस टर्न्स सॉरी रेड लिटमस टू ब्लू। आया समझ में बच्चों, तो ये अलग अलग लाइन में आप बिल्कुल क्लियरली लिखोगे, क्योंकि ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि एसिड लिटमस में क्या चेंज करता है और बेस लिटमस में क्या चेंज करता है। ठीक है, एसिड ब्लू को रेड करता है और बेस रेड को ब्लू करता है, है ना। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, अगर हमें इसमें से कोई भी ये आपको लिखना है, लिख लेने के बाद आप इसको याद भी करने की कोशिश करेंगे, अगर इन दोनों बातों में से कोई एक बात आपको याद हो जाए तो दूसरी तो अपने आप याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी, क्योंकि दूसरी जो है वो पहले की जस्ट अपोजिट है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसमें से कुछ भी एक याद करने की। कैसे याद होगा ये मैं बताती हूँ, कैसे याद होगा, इतना आपने लिख लिया ना, अब मैं इसको मिटा रही हूँ। आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे सुंदर सुंदर सा, और उसमें आप कलर्स का भी इस्तेमाल करेंगे रेड और ब्लू। ठीक है, ड्राइंग बना लिया आपने, फिर ये लिख लिया, उसके बाद हम इसको याद कैसे करेंगे। याद करने वाली चीज़ भी आप चाहो तो कॉपी में वहीं लिख सकते हो कैसे याद करना है। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बेस से क्या होता है,
बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ठीक है। तो अगर आप बी आर बी ये रट लेते हो तो आपको याद हो जाएगा, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। ये याद कर लिया तो दूसरा तो आप अपने आप लिख लोगे, दूसरा अपने आप क्या लिखोगे, यहाँ जहाँ बेस है वहाँ एसिड लिख दिया, जहाँ रेड है वहाँ ब्लू लिख दिया, जहाँ ब्लू है वहाँ रेड लिख दिया, तो क्या हो गया, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। दोनों में से जो आपको याद हो जाए वो एक याद कर लीजिए। मुझे लगता है कि बी आर बी आपको आसानी से याद हो जाएगा, तो बी आर बी को याद कर लीजिए, यानी बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो बेस अगर ब्लू रेड लिटमस को ब्लू करता है तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ठीक है। या अगर आपको ए बी आर याद हो जा रहा है, ठीक है, तो आप ए बी आर भी याद कर सकते हो। तो दोनों में से आप जो चाहो वो याद कर सकते हो। आप इस शॉर्ट फॉर्म को भी अपनी कॉपी में लिख लोगे जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो याद हो गया होगा, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, अब हम लोग लिटमस से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिटमस के बाद जो दूसरा, ये जो टेबल दिया हुआ है बच्चों लिटमस के बारे में ही है, आप चाहो तो ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन, लेकिन ये आपको एक्सपेरिमेंट आप करोगे तभी कर सकते हो। आप चाहो तो घर में लेमन जूस, ऑरेंज जूस आपको मिल जाए तो आप इसमें टेस्ट सॉल्यूशन में लेमन जूस, ऑरेंज जूस और क्या लिख सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट में लिख लिया लेमन जूस, ठीक है, सेकेंड में लिख दिया ऑरेंज जूस और थर्ड में लिख दिया सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमें तो पता है कि लेमन जूस में क्या होता है एसिड, ऑरेंज जूस में क्या होता है एसिड, तो लेमन जूस और ऑरेंज जूस क्या करेगा, रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट होगा इसका, नहीं, क्योंकि एसिड तो ब्लू लिटमस को रेड करता है, तो आप इसमें लिखेंगे नो इफेक्ट, है ना। पहले में भी यही लिखेंगे क्योंकि पहले में हमने लेमन जूस लिया है और दूसरे में ऑरेंज जूस लिया है, तो दूसरे में भी यही लिखेंगे नो इफेक्ट, है ना। लेकिन ये क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को तो रेड करता है ना, तो आप ब्लू लिटमस वाले कॉलम में इसको लिख लेंगे रेड, दोनों ही में, ठीक है। तो यानी इन्फरेंस आप क्या निकालोगे, दोनों एसिड हैं, इन्फरेंस सॉल्यूशन इज एसिड, पहले दूसरे दोनों में आप एसिड लिख लोगे, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या लिखेंगे हम, थर्ड वाले में अगर मान लीजिए आपने सोप सॉल्यूशन यूज़ किया है, सोप सॉल्यूशन, सोप हमें पता है कि ये बेस है, तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है, तो रेड वाले में आप कर लिख लेंगे ब्लू, रेड को वो क्या कर देगा, ब्लू, और जहाँ पे ये ब्लू वाला है कॉलम उसमें हम लिख देंगे नो इफेक्ट, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा ना, तो इसमें हम लिख देंगे नो इफेक्ट। और इन्फरेंस क्या लिखेंगे, इन्फरेंस ये क्या है, बेस है, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम कि सोप सॉल्यूशन क्या है, बेस। इस तरीके से आप इस टेबल को चाहो तो बना सकते हो, अगर आपको मैंने बताया जैसे वैसे समझ में आ गया हो तो आप इस टेबल को बना लोगे, ठीक है। 1, 2, 3 पॉइंट करके, फर्स्ट पॉइंट होगा लेमन जूस, सेकेंड पॉइंट ऑरेंज जूस और थर्ड सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे आपको खुद समझ में आता चला जाएगा, अगर आपने ये टेबल बना लिया तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये टेबल बनाने के बाद हम दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ क्या बात की थी हमने टर्मरिक के बारे में, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, है ना। ये क्या करता है, टर्मरिक का एसिड में तो कोई इफेक्ट नहीं होता, ये येलो कलर का होता है तो एसिड में भी येलो ही रहता है, क्योंकि आप जब खाने में टोमेटो जूस भी डालते हो, ऑरेंज जूस भी कहीं कहीं यूज़ करते हो, या आप उसमें लेमन भी डालते हो, है ना, तो ये सब में तो एसिड होता है, लेकिन फिर भी जब आप उसमें हल्दी भी डालते हो खाने में, तो हल्दी के कलर में तो कोई चेंज नहीं आता, वो येलो का येलो रहता है, लेकिन वही हल्दी जब आपके कपड़ों पर गिर जाती है और आप उस पर साबुन लगाते हो तो वो रेड हो जाती है ना। साबुन लगाने से रेड क्यों हो जाती है, क्योंकि साबुन कंटेन्स बेस, ठीक है। तो यानी टर्मरिक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड के बारे में तो कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन ये बेस के बारे में ज़रूर बताएगा। एसिड में तो ये येलो का येलो ही रह जाएगा, लेकिन बेस में जब आप इसको डालोगे तो ये येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, ठीक है। तो अब हम लोग टर्मरिक के बारे में लिखेंगे, आप ये हेडिंग डाल लोगे, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। इसमें हम लिखेंगे क्या, लेट अस सी, पहले मुझे देखने दीजिए कि आगे आपकी बुक में टर्मरिक के बारे में लिखा हुआ या नहीं। इट इज नॉट रिटन क्लियरली, तो मैं आपको ये लिखवा देती हूँ, ठीक है, टर्मरिक क्या करता है। तो आप ये हेडिंग डालोगे, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, और उसमें आप क्या लिखोगे, टर्मरिक
डज नॉट चेंज, ये सी है बच्चों, इट्स कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। But it turns red in basic solution. ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपको? आपको क्या लिखना है? आपको टर्मरिक में जितना मैंने अभी लिखा है आपको वही लिखना है। टर्मरिक डज नॉट चेंज इट्स कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन बट इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। ये पूरी बात आपको टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर हेडिंग डाल करके लिख लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है? इसके बाद आप देख रहे हो कि अगले पेज पे एक ग्रीटिंग कार्ड बना हुआ है। वो ग्रीटिंग कार्ड कैसे बना है? आप पेपर को आपने लिया, उसको कट कर लिया एक अलग शेप में, कार्ड के शेप में, उसके बाद आपने उस पर पूरे पेपर पे हल्दी लगा डाली। पूरे पेपर पे क्या लगा दिया? टर्मरिक। ठीक है, अब आप एक बाउल में सोप सॉल्यूशन लोगे, एक बोल में आपने सोप सॉल्यूशन ले लिया। अब उस बोल में आप एक ईयरबड ले लेना, ईयरबड जो जॉनसन्स वगैरह की ईयरबड्स आती है ना, वो ईयरबड्स आपने उस बोल में रखे हुए सोप सॉल्यूशन में डिप किया, तो अब आपकी ईयरबड में सोप लग गया। अब जब आप उसको हल्दी वाले पेपर पे जब भी आप उसको टच कराओगे तो वो हल्दी किस में कन्वर्ट होगी? रेड कलर में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, आप हल्दी वाले पेपर के ऊपर कोई भी ड्राइंग कर सकते हो उस ईयरबड से। जैसे ही आप उस बोल में रखे हुए सोप सॉल्यूशन को ईयरबड से टच कराओगे तो उस पे सोप लग जाएगा, और जब वो सोप आप पेपर पे टच करोगे तो वो रेड हो जाएगा क्योंकि उस पे हल्दी लगी हुई है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ड्राइंग्स बना सकते हो उस पेपर पे। तो ये मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ, आप अलग अलग सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स बना के मुझे अपनी पिक्चर्स को व्हाट्सएप पे भेजोगे कि आपने कैसा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। ठीक है, आपके ग्रीटिंग कार्ड में किसका किसका इस्तेमाल करना है आपको? पेपर का, टर्मरिक का, सोप सॉल्यूशन का और ईयरबड का। ठीक है, इन चार चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं। तो मैं आज आपको यही प्रोजेक्ट दे रही हूँ, यही आपका होमवर्क है। लिखने के बाद आप शाम में ट्राई करेंगे ऐसा एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाने का। ठीक है, और वो ग्रीटिंग कार्ड किस चीज़ का होगा? वो हैप्पी वैकेशंस का होगा। हमारी समर वैकेशंस आ रही है ना, तो आप हैप्पी वैकेशंस के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना के मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजोगे। ठीक है, तो आज का हमारा यही होमवर्क है, इतना लिखने के बाद आप कार्ड बना लेंगे और मुझे अपने कार्ड्स को भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।